अन्ना मोड़ियल मणि का जन्म 23 अगस्त 1918 को केरल के त्रावणकोर में हुआ था। वो शुरू में चिकित्सा विज्ञान पढ़ाना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने भौतिक लेने का फैसला किया और मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी ऑनर्स प्रोग्राम में दाखिला लिया। उन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान में BSc ऑनर्स की डिग्री हासिल की। 1940 में अन्ना मणि ने नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन की देखरेख में भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर में भौतिकी में शोध करने के लिए छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। डॉक्टर रमन की प्रयोगशाला में अन्ना मणि ने हीरे और माणिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी पर काम किया। प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रोस्कोपी का अनुप्रयोग मैक्रोमोलिक्यूल्स के भौतिक और रासायनिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक शक्तिशाली और प्रभावी उपकरण है। अन्ना मणि ने 30 से अधिक विभिन्न हीरो के तापमान निर्भरता और ध्रुवीकरण प्रभावों सहित प्रतिदीप्ति अवशोषण और रमन स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड किया तथा उसका विश्लेषण किया। 1942 और 1945 के बीच उन्होंने हीरे और माणिक की चमक पर 5 पत्र प्रकाशित किए। अगस्त 1945 में उन्होंने अपने PhD शोध निबंध मद्रास विश्वविद्यालय में जमा करवाए। उनके शोध निबंधों में पर्याप्त शोध कार्य शामिल था। इसके बावजूद उन्हें PhD करने से मना कर दिया गया था। वजह थी उनके पास मास्टर डिग्री का ना होना। तो साहसी अन्ना मणि इंपीरियल कॉलेज लंदन में इंटर्नशिप के लिए सरकारी छात्रवृत्ति पर भौतिकी का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन चली गई। हालांकि उनकी प्राथमिकता भौतिकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाने की थी, फिर भी उन्होंने मौसम संबंधी उपकरणों में विशेषज्ञता हासिल कर ली, क्योंकि उस समय उनके लिए उपलब्ध यही एकमात्र छात्रवृत्ति थी। लेकिन यही उनके लिए आजीवन जुनून बन गया और इसी ने भारत के मौसम विज्ञान को समृद्ध बनाने में योगदान दिया। अन्ना मणि 1948 में भारत लौट आई और पुणे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में एक वैज्ञानिक और विकिरण उपकरण निर्माण के प्रभारी के रूप में काम करने लगी। IMD में उन्होंने उत्पादन के लिए लगभग 100 मौसम संबंधी उपकरणों की ड्राइंग का मानकीकरण किया और भारत को सौर ऊर्जा के दोहन में मदद करने और सौर विकिरणों की निगरानी के लिए देश भर में निगरानी स्टेशन भी स्थापित किए। 1960 में मणि ने वायुमंडलीय ओजोन को मापने पर अपना काम शुरू किया। ये उससे भी पहले की बात है जब दुनिया ओजोन परत की कार्यविधि को समझ रही थी। उन्होंने ओजोन को मापने के लिए ओजोन सोंडे नामक एक उपकरण डिजाइन किया। अन्ना मणि ने केरल में इसरो के थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सुविधा में एक मौसम विज्ञान वेधशाला भी स्थापित की। देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर हवा की गति को मापने के उनके काम ने भारत में भविष्य के लिए पवन ऊर्जा हासिल करने की नींव भी रखी। अन्ना मणि एक बेहतरीन मौसम विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी थी। वे 1976 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुई। इसके बाद वे अगले 3 वर्षों के लिए एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में रमन अनुसंधान संस्थान में लौट आए। यहीं पर उन्होंने 1940 में एक युवा अग्रणी विज्ञान शोधकर्ता के रूप में अपने शोध करियर की शुरुआत की थी। 16 अगस्त 2001 को तिरुवनंतपुरम में अन्ना मणि का निधन हो गया।